वेलकम टू कुकिंग एंड क्राफ्टिंग विथ मीमांसा। मैं आज व्हिप्ड क्रीम की एक रेसिपी दिखाऊंगी जिसमें मैं एक सीक्रेट टिप यूज़ की हूँ। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना स्किप किए बिना, ताकि आप जान पाएँ इस तरह कैसे पूरा स्टेबलाइज्ड व्हिप्ड क्रीम बना पाएँ। मैं भी पहले यूट्यूब देख के बनाती थी, लेकिन मैं जब डिज़ाइन करती थी तब ये मेल्ट हो जाता था, इसीलिए मैं कुछ नुस्खा लगाई हूँ। तो इसीलिए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। इसीलिए हमें जो व्हिप करना है जिस बर्तन में, उसको फ्रीज़र में 1 घंटा के लिए रखना है, और इस रड को भी फ्रीज़र में 1 घंटा के लिए रखना है। उसके लिए हमें 1 कप चिल्ड क्रीम लाना है जिसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होना चाहिए। इसको अब हमें 1 मिनट के लिए लो स्पीड में बीट करना है। देखिए 1 मिनट ही बीट करना है लो स्पीड में। फिर हमें इसका जब क्रीमी टेक्सचर टाइप का थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, इसका स्पीड को और थोड़ा बढ़ाना है। देखिए अब ये क्रीमी टेक्सचर आ गया। मैं इंक्रीज़ की स्पीड को मीडियम में लाके 2 स्पीड इंक्रीज़ की। अब इसको बीट करके इसका सॉफ्ट पिक्स तक इसी स्पीड में ही इसको हमें बीट करना है इस तरह। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी सब पीक आएगा, नहीं आया है अभी तक। अभी हमें और थोड़ा बीट करना है। देखिए हमारा ये अब सब पीक आ गया। ये सॉफ्ट पीक है, क्रीम अभी भी सॉफ्ट है। इसको अभी हमें पूरा फुल स्पीड में बीट करना है पूरा पीक आने तक। देखिए हमारा सब पीक अब हेवी पीक में कन्वर्ट हो गया। अभी हमें एक सीक्रेट टिप है ये कि बटर को इसमें थोड़ा सा बीट करके मिलाएंगे, ताकि हम जब इसको डेकोरेट करेंगे तो ये जल्दी मेल्ट नहीं होगा और शेप्स ठीक से बन पाएगा। मैं 2 टेबलस्पून बटर को बीट करवा रही हूँ। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके क्रीम के अकॉर्डिंग। इसको बीट करने के बाद इसके साथ मिक्स करके फिर हमें अभी इसमें थोड़ा सा एसेंस डालना है। कुछ भी एसेंस डाल सकते हैं। मैं शुगर पाउडर स्किप की हूँ क्योंकि इसमें पहले से शुगर कंटेंट है, इसीलिए इसको इसके साथ अब पूरा मिक्स कर दीजिए। पूरा जैसे बटर और क्रीम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, उस बात का ध्यान दीजिएगा। मेरे तरह बिल्कुल प्रोसीजर फॉलो करने से आपका क्रीम 1 दिन तक तो फ्रीज में आराम से स्टोर हो जाएगा। अब ये हमारा मिक्स हो गया। इसको अब हम ढककर 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर देंगे। स्टोर करके मैं निकाल लाई। देखिए ये और थोड़ा हार्ड हो गया, आप देख पा रहे होंगे। इसको हम अभी एक पाइपिंग बैग में नोज़ल लगाकर फिल कर देंगे। फिर इसको मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊँगी कितना अच्छा डिज़ाइन हो रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। आप पाइपिंग बैग को हमेशा इस तरह ही पकड़कर डिज़ाइन करना, तो अच्छी तरह से डिज़ाइन बन पाएगा। देखिए मैं सब डिज़ाइन कर दी। देखिए मैं इसको टेढ़ा भी कर रही हूँ, नीचे भी गिर नहीं रहा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर, और आपके एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना कमेंट में। थैंक यू।